न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। नमस्कार, न्यूज धमाका लाइव में आप सभी का स्वागत है। खबर जमशेदपुर से। जमशेदपुर उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, विभाग की टीम ने छापेमारी कर एक मिनी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया, जिसमें कई विदेशी शराब के रैपर, खाली बोतल और अलग अलग शराब का ब्रांड बरामद हुआ। कोटका के कवाली थाना क्षेत्र में की गई कार्रवाई। बनकट्टा गांव में की गई कार्रवाई। उड़ीसा झारखंड बॉर्डर के तिरिंग के पास है गांव, एक युवक की हुई गिरफ्तारी। ये कोवाली थाना का अंतर्गत बानाघाटा गांव में हमें सूचना मिली कल की, वहां पे कुछ अवैध शराब बनाने का काम चल रहा है वहां पे, और इसी सूचना के आधार पे आज हमने इंस्पेक्टर सर रामदास भगत के नेतृत्व में हमने वहां पे छापेमारी की, और छापेमारी क्रम में हमने वहां पे पाया कि बहुत सारा जो शराब बनाने की जो सामग्रियाँ हैं, कॉर्क ढक्कन और स्टिकर वगैरह और कुछ बना हुआ शराब भी वहाँ से बरामद हुआ है, और साथ ही साथ वहाँ पर ये सारा काम का जो देख रेख करता था, जो मुख्य सप्लायर है जिसका नाम सिकंदर ग्रुप है, वो उसकी अरेस्टिंग भी है वहाँ से, और जिसके विरुद्ध आगे कार्रवाई की जा रही है। ये मिक्सर से कहे तो मिनी फैक्ट्री थी शराब की क्या? हाँ, ये मिनी फैक्ट्री, ये नकली शराब की है फैक्ट्री चल रही वहाँ। कितने का लागत होगा करीब शराब के मिलाकर बोला जाए तो मोटा मोटी? ये जितना रिकवरी हुआ है सबसे ये मार्केट प्राइस इसका 40 से 50 हज़ार हो जाएगा, और स्टिकर्स वगैरह का जितना यहाँ पे तादाद देखा जा रहा है उसे तो लग रहा था कि ये काम काफ़ी बड़े पैमाने पे चल रहा है, लेकिन माल की रिकवरी उतनी भी नहीं है वहाँ से, लेकिन ये अभियान लगातार जारी। हाँ, ये अभियान आगे भी जारी रहेगी,